केवल 2 घंटों में पृथ्वी पर से सारी हरियाली सूख कैसे सकती है? यही सच है परियों, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने अपनी आंखों से पर्यावरण मापक यंत्र में देखा, क्योंकि पेड़ और पौधे पृथ्वी लोक में सूखने लगे हैं। क्या बालवीर, ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। रानी परी, ये तो पृथ्वी की 25% हरियाली सूख गई है। हाँ रानी परी, और जितनी तेजी से ये पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, वो देखकर तो लगता है जैसे पृथ्वी लोक पर प्राण वायु बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। हाँ रानी परी, अगर प्राण वायु ही नहीं बची तो इंसान सांस कैसे ले पाएंगे? हाँ रानी परी, अगर यही हाल रहा तो पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाएगा, एक भी इंसान नहीं बचेगा। देख रहे डरी भाई, सूखे विस्तारों में तो आने वाले खतरे का संकेत दिखना शुरू भी हो गया। लगता है पृथ्वी पर सचमुच अंत की शुरुआत हो चुकी है। हमें फौरन कुछ करना होगा। बाल परी, मैंने कोशिश की थी लेकिन सांस लेने के लिए तड़प रहे लोगों पर मेरा जादू काम नहीं कर रहा था। फिर तो जरूर उस महाविनाशनी का किया धारा होगा ये सब। नहीं, ये असंभव है विचार परी, क्योंकि अच्छी या बुरी किसी भी परी में प्रकृति के संतुलन को सुधारने की या बिगाड़ने की शक्तियाँ नहीं होती है। हाँ बाल परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस सब के पीछे किसी और मायावी शक्ति का हाथ लग रहा है, लेकिन परियों, इस सब के बारे में हम बाद में पता करेंगे। सबसे पहले हमें इन तड़पते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गाल परी? जी रानी परी। आप परी बाग के वनों से जितना हो सके प्राण वायु को अपने गुब्बारों में भरकर पृथ्वी लोक में भेजिए, और खासकर उन विस्तारों में जहाँ पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं, ताकि गुब्बारों के कारण वो लोग सांस ले सके। जो आज्ञा रानी परी। परियों, गाल परी के गुब्बारों के कारण हमें थोड़ा समय तो मिल जाएगा, लेकिन इस समय में हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो मायावी शक्ति है कौन जो पृथ्वी लोक की हरियाली को समाप्त कर रही है। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ।
थैंक यू बालवीर। अब हम क्या करें गाल परी? अलग अलग जगह पर लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं और हम सही समय पर वहां पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। इसमें भी समय बहुत व्यतीत हो रहा है गाल परी, हमें कुछ और उपाय ढूंढना होगा। हमें भी यही चिंता हो रही है बालवीर, पृथ्वी पर प्राण वायु तेजी से कम हो रहा है, ऐसे में गुब्बारे का उपाय क्षणिक है और इसीलिए हमें जल्दी से कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा बालवीर। हाँ गाल परी, स्थायी उपाय ढूंढने के लिए हमें उस मायावी शक्ति के पास पहुंचना होगा और उस मायावी शक्ति को ढूंढने के लिए हमें समय चाहिए। समय ही तो नहीं है हमारे पास बालवीर। गाल परी, आप अभी के अभी रानी परी के पास जाइए और उन्हें इस समस्या का कोई स्थायी उपाय ढूंढने के लिए कहिए। तब तक मैं लोगों तक प्राणवायु पहुंचाता हूं और उस मायावी शक्ति को भी ढूंढने की कोशिश करता हूं। जी बालवीर, हम अभी जाते हैं। बस एक बार मुझे उस मायावी शक्ति के बारे में पता चल जाए फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो बस ऐसा लग रहा है कि पूरी लाइफ की मार एक ही दिन में खाली। ये जादू चाबुक ने तो मार मार के हमारा हालत ही खराब कर दी है। और बॉस, ये आया कहां से? मुझे क्या पता रोहित, मुझे लगता है हमारे सर से खतरा टल गया। चल बाहर चलते। मोंटू बॉस, मेरी सिक्स सेंस अभी भी यही कह रही है कि खतरा अभी भी हमारे पीछे है। इतना खतरनाक जंगल। तुम तो पृथ्वी से हो ना, तुम यहां कैसे पहुंच गई? वो मैं जानबूझ के आई नहीं, वो बड़ा पेड़ मुझे यहां खींच लेकर आया।
जाऊं? ठहरो। अरे वाह, तुम तो मेरी खोई हुई चीज वापस ले आई। अब तो तुम्हारा स्वागत करना ही पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.